हेलो भाई। सो आज हमारे पास आया जे फोर प्लस, यानी इसका हमारा नंबर है J415F। सो इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, तो इसको FRP लॉक अनलॉक करने के लिए हम AMD सैमसंग टूल से करेंगे जो अपडेट आया है। तो सबसे पहले हम एमएनसी पे टिक करेंगे मोबाइल में, और *#0*#, इसको डायल करेंगे, ये ऑप्शन आ जाए। इसके बाद हम अपने AMD टूल में जाएंगे और इनेबल ADB पे टिक है, ऑलरेडी बाईपास पे टिक कर देंगे। तो सबसे पहले ये ADB इनेबल करेगा। देखिए, अब परमिशन मांग रहा है अलाउ करने के लिए ADB, तो हमने दे दिया है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है, अभी ये इनेबल ADB पे अभी भी स्टक रहता है। तो चाहो तो आप इसको दोबारा रीओपन करके आप कर सकते हो, या फिर आप किसी भी टूल से कर सकते हो। ADB से कोई भी टूल हो, आपका UMT हो, CM2 हो, जिसमें ADB हो, फ्री टूल हो, मिरेकल क्रैक, किसी भी टूल से आप ADB मोड में FRP रीसेट करके कर सकते हो। वो 100% हो जाएगा। सो अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया है उस टूल को। दूसरा टूल हम ओपन करेंगे UMT का ही FRP टूल, उसमें ऑप्शन है ADB का, तो उससे कर देंगे। और उसमें UMT सैमसंग टूल में भी ऑप्शन है, ADB मेथड है, कई सारे मेथड के लिए ऑप्शन है। तो हम डायरेक्टली ना जा करके हम ये UMT FRP टूल ओपन करते हैं, और इसमें हम जेनरिक ADB स्लैश फर्स्ट बूट है उस पर टिक करेंगे टाइप पे, और उसके बाद ADB FRP पे टिक कर देंगे। तो हमारा जो FRP लॉक है J4 प्लस में, उसमें अनलॉक हो जाएगा। तो रिसेटिंग FRP लॉक दिख के आ रहा है और डन हो गया। तो देखा आपने कैसे हुआ है, और इसी तरह होगा सारे मॉडल में प्रॉब्लम होगा। तो या तो आप दोबारा इसको रीओपन करके कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप किसी भी टूल से आप कर सकते हैं ADB इनेबल होने के बाद।